हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ एजुकेयर ओवरसीज से प्रेरक रक्षा। आज है हम इंडियन कोऑर्डिनेटर है जो स्टूडेंट के, उनके साथ मिस्टर हरीश कुमार और ये है संजीव मेमन जो फिफ्थ ईयर में है और जो इंडियन स्टूडेंट के प्रेसिडेंट हैं यहाँ के। तो आज हम उनसे थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे उनको स्टडीज़ और फ्यूचर प्लानिंग जियोमेडी की क्या है, उनके बारे में थोड़े जानकारी लेंगे। तो हरीश जी, आज हमें बताइए कि जियोमेडी के फ्यूचर प्लानिंग क्या है, करंट क्या चल रहा है सिचुएशन, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए तो इंडियन स्टूडेंट को पता चले। या फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर प्रेरक, थैंक्स फॉर कमिंग टू जियोमेडी इन अवर कैंपस एंड वी रियली विशिंग टू टेकिंग योर स्टूडेंट फ्रॉम गुजरात। ही इज़ अवर स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट मिस्टर संजीव मेनन इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ स्टूडेंट प्रेजिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। संजीव, वट इज़ अवर एक्सपीरियंस फ्रॉम द बिगिनिंग? यू आर द फर्स्ट बैच स्टूडेंट एंड हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हमारी चल रही है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओगे आपके साथ? मतलब मेरा यहाँ पे क्या गोल चल रहा है यूनिवर्सिटी के साथ में, तो हम जो धीरे धीरे सारे बच्चों को अच्छे जो फैसिलिटीज़ और एक एक्सपीरियंस और जो बच्चों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे, एक अपना एक्सपीरियंस आप खुद शेयर करो। आप स्टूडेंट हो और आप 2015 में आए थे ना, तो थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस बताओ कि हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे प्रोफेसर, हमारे रेक्टर, व्हाट एक्चुअली वी आर थिंकिंग फॉर द स्टूडेंट। जब से हम लोग आए हैं यहाँ पे 2015 में, वी आर कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट बैच। ओके, तो उस हिसाब से जब जियोमेडी ने फर्स्ट बैच को लिया, वी वर टोटली अप्रिशिएटेड एंड हमें पूरा अटेंशन दिया गया, बिकॉज जो जो भी हम लोग को रिक्वायर था वो रेक्टर से ही, हरीश सर से ही, दोनों ने साथ मिलके एक साथ हर एक रिक्वायरमेंट को पूरी की। जैसे कि अब जब भले यहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स हैं जॉर्जियंस, बट फिर भी जितने भी नए नए क्लासेस बनते हैं, जितना भी नया नया टेक आता है, फर्स्ट प्रेफरेंस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होता है, क्योंकि वी आर पेइंग मच मोर एंड देन वी आर द फोकस बिकॉज ऑफ मिस्टर हरीश। ही पोर्ट्रेस एवरीथिंग वॉट एवर वी वॉन्ट टू और वॉट एवर वी। एंड एक्चुअली मिस्टर प्रेरक, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ मेडिकल कॉलेज इन जॉर्जिया एंड एवरी कॉलेज दे हैव देयर ऑन मेथड्स ओके टू गिव द मेडिकल एजुकेशन इन देयर कैंपस। What is our goal actually? Because as an Indian representative, I'm here in the university campus for my student. Because we are going slowly, but we are going good way to giving all the student proper education. Okay. Before when Mr. Sanjeev and their group they came from India, I think we did not had anything that time because they was in bad situation. Yeah. But as a being a human, as an Indian, because I see the student and they are in bad situation. So slowly we upgraded all the things, but now at the moment we have all the facilities, we have a good infrastructures with the anatomy labs and anatomy tech technologies, and we have rehabilitation centers, okay, and we do have a good collaboration with the hospitals, and even we are thinking like how we can develop. We have done a partnership with the one of the medical university in India, and we are thinking that those students, how we can upgrade them with the clinical knowledge in the future, and how we can help them out, you know, to passing them for MCI in India. So it's all about like we are thinking for the student, because this is in our Geomedi University, this is a good advantage for our student, upcoming student from India, like because I'm here, so I can take care about the academics and their personal problems and all the things, so that I can assure you for all the things from my side. And that's the more thing, Sanjeev is here, is our good student, excellent student, he is very good in study, and he will also get success in the future. तो संजीव, बताइए आपकी जो MCA की प्रिपरेशन थी जियोमेडी के लिए की तरफ से, जो इंडिया में आना है तो MCA की प्रिपरेशन वो चल रही है, कैसी चल रही है, और हॉस्पिटल में प्रैक्टिस आपको कैसी मिलती है? यहाँ पे पेशेंट फ्लो, जो लोगों को डर है कि भाई कंट्री छोटी है तो पेशेंट फ्लो नहीं मिलता है, तो पेशेंट फ्लो मिलता है कि नहीं मिलता है? सबसे पहले मैं MCA का जो बोलूँगा, हरीश सर ने अराइज मेडिकल अकेडमी जो इंडिया में है, जहाँ पे पूरे इंडिया के बेस्ट लेक्चरर्स जो आते हैं, डॉक्टर आजम है, डॉक्टर सलमान है, दे ऑल कम, जो FMG जो मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम के जो पायनियर्स है, वो लोग आके हमको हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, वी डोंट हैव टू गो टू देम, वो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस के अंदर आके हम लोग को पढ़ाते हैं हर साल, और ये चल रहा है पिछले 2-3 सालों से। और सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से इन इसका नरिशमेंट मिल रहा है, तो बाय द टाइम दे कम इन सिक्स ईयर उनके सारे 18 सब्जेक्ट्स खत्म हो जाते हैं एंड उनको बस सिर्फ रिविजन करना होता है बाय द टाइम दे कम। दूसरा, पेशेंट का इन्फ्लक्स, टिबिलिसी स्पेशली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन मेडिकल एस्पेक्ट्स, बिकॉज एक तो ये बहुत सारे कंट्रीज के बॉर्डर्स के आसपास है,
ऑल द नेबरिंग कंट्रीज हम 5 घंटे के ड्राइव में आ सकते हैं, तो वहाँ के पेशेंट्स भी टिबलिसी में आकर ट्रीटमेंट लेना प्रेफर करते हैं बिकॉज यहाँ का इकोनॉमी अच्छा है, यहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा है और यहाँ का मेडिकल केयर भी अच्छा है, तो पेशेंट का इन्फ्लक्स बहुत है। दूसरी चीज़, भले अगर आपको लगता है कि छोटी कंट्री है, बट अभी भले अगर आप इंडिया में हो, अभी आप अहमदाबाद में हो, केरला का पेशेंट अहमदाबाद नहीं है, अहमदाबाद तो गुजरात के पेशेंट्स आएंगे, तो उस हिसाब से जो जॉर्जिया का जो भी पॉपुलेशन है सबका एक ही हॉस्पिटल है। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल उतने सारे नहीं है, यूजुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं पब्लिक और वहाँ पे ही हमारा सब लेक्चर्स होता है और वहाँ के लेक्चर्स हमको पढ़ाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि हम लोग यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ को अपग्रेड करने के लिए अभी इंडिया में रिसेंटली करिकुलम चेंज हुआ है, तो एडवांटेज हमारे जियोमेट्री का क्या है कि हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी टीम है, इंडियन स्टूडेंट हैं, मैं हूँ, तो हम सोचते हैं बच्चों के बारे में। अदर कॉलेजों में क्या होता है कि बच्चों को कंसल्टेंट छोड़ देते हैं एंड दे डोंट डील विद देम, उनको क्या पढ़ा रहे हैं क्या खा रहे हैं दे डोंट डील विद दैट। सो आई कैन से दैट दिस इज एडवांटेज फॉर आवर इंडियन स्टूडेंट, दे आर कमिंग हियर एंड वी आर हेल्पिंग देम फ्रॉम बिगिनिंग एंड टिल एंड। ओके ओके थैंक यू ओके यू वेलकम।